अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन गेट इजियर विद जैनी। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक किताबचा। इससे पहले भी हमने एक इसकी वीडियो बना चुके हैं। वो जो किताबचा था वो एक सिंपल स्टाइल का था, ये किताबचा कुछ यूनिक डिज़ाइन का होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज व्हाट यू विल अचीव इज़ द मेन एम फॉर क्रिएटर। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो किताबचा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है A4 साइज पेपर। इसको आप अपनी मर्जी से ट्रिम भी कर सकते हैं आपकी किताबची के साइज़ के हिसाब से। उसके बाद एक ग्लिटर शीट एंड अ ग्लेज पेपर। कलर थीम भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एज इट इज़ वैसे ही बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट कलर थीम फॉर दिस किताबचा। एंड दिस स्मॉल रिबन एंड यू विल नीड अ ओल्ड कॉपी। उसको आप अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह इसको कट किया। ये एक यूनिक डिज़ाइन बनेगा, यू विल सी इट इन द एंड। सो स्टे ट्यून्ड, लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक शेप का कट कर लिया है किताबचे के हिसाब से। अब मुझे उसको कवर करना है, तो मैंने आपको थीम बता दी थी, थीम पिंक कलर की है। तो थीम के हिसाब से ये ग्लेज पेपर हम उस पर स्टिक कर देंगे और उस पर थोड़े से साइड के बॉर्डर्स वगैरह इस पर लगाएंगे। और मेरे पास ये स्टिकर्स हैं, दो इनमें से कोई एक मैं उस पर लगा दूँगी और वो थीम के हिसाब से अच्छा सा सेट हो जाएगा उसके अंदर। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये है हमारा फाइनल लुक किताबचे का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो कहा था कि मैंने छोटे छोटे पीसेस ग्लिटर से कट करके बॉर्डर्स पे लगाए हैं और उसी से कट करके किताबचे की हेडिंग दी है। और जो दो स्टिकर्स मैंने उसमें से सेलेक्ट किए हुए थे उनमें से एक मैंने आप लगा दिया और ये थीम के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। एक हल्की सी चीज़ ऐड हो गई है, पर्पल कलर है और वह बहुत अच्छा सा जा रहा है थीम के साथ। इसका बैग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ओवरऑल ये किताबचा बहुत अच्छा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी मैं आपके किताबचे की एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको आई बॉक्स में मैं दे दूँगी। और वो जो वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक्स बताए थे और एक ख़ास की बताई थी किताबचा बनाने की, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको किताबचा बनाना बहुत प्रोफेशनली आ जाए और फिर आपको यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी थीम खुद डिसाइड कर सकें। इसका मैं आपको अंदर भी दिखा देती हूँ। रिबन्स के साथ मैंने ये यूज़ किया इसका। इस पहला पेज वो सब मैं आपको उस बेसिक उसमें बता चुकी हूँ, तो आप वो जाके वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए किताबचा कैसे बनाते हैं। किताबचा जाहिर सी बात बड़ी बुक होती है, उसको किताब कहते हैं, लेकिन जब उसका छोटा वर्जन होता है उसको हम किताबचा कहते हैं। उस छोटे वर्जन में क्या क्या एसेंशियल्स और की पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो मैंने उस बेसिक वीडियो में बताई थी जो आपके सामने अभी शो हो रही होगी। आप उसे जाके फ़ौरन से वॉच कर लें। इस किताबचे का जो टॉपिक था वो ये था, वो चार साइंसी इजाजात बाइसे रहमत या जहमत बताइए। तो उस टॉपिक के हिसाब से मैंने ये किताबचा बनाया है। अगर इस वीडियो पे मेरे 50 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जल्दी से इस टारगेट को पूरा करते हैं ताकि मैं उस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और आप अच्छे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें, अपने दोस्तों लाइक करवा सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाए और आपके साथ आपके दोस्त भी एक बेहतरीन किताबचा बनाने में सक्सेसफुल हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस आती रहें और मुझे एक मोरल सपोर्ट मिले। तो हिट द रेड सब्सक्राइब बटन टू गेट नोटिफाइड बाय माय न्यू अपडेट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। बाय एजुकेशन गेट इजियर विद जैनी।